नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। बाजार में एक्शन भरपूर है और हम आपको बताएंगे कि एक्शन के इस मार्केट में आपको करना क्या है और क्या बाजार की ये रफ्तार, ये एक्शन कंटिन्यू रहने वाली है, इस पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ आज एक बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं दोरा मिस्त्री, डायरेक्टर हैं गोदरेज इंटरनेशनल के और सिंगापुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वीरेन वकील भी हैं, अनुज गुप्ता भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा की शुरुआत तेल और तिलहन की कीमतों से करने जा रहे हैं, क्योंकि लगातार जोरदार तेजी के साथ तेल और तिलहन की कीमतें ट्रेड कर रही हैं। सोयाबीन मई वायदा ने 6845 के ऐतिहासिक स्तर को छू लिया है। जबरदस्त तेजी, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि 3800 की एमएसपी के मुकाबले सोयाबीन का भाव 6800 के ऊपर चला जाएगा। जबरदस्त तेजी, महीने भर में 23% दाम बढ़े हैं सोयाबीन के और 3 महीने में 40% तक का उछाल आया है। सरसों का प्राइस भी 6500 के करीब पहुंच चुका है, 4.5% का उछाल और 6 महीने में सोया तेल 37% और क्रूड पाम तेल CPO 41% तक महंगा हुआ है। तो दोरा मिस्त्री जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत जी बिजनेस पर वक्त देने के लिए। और आप चूंकि दुनिया भर में आपकी बात ऑयल मार्केट के ऊपर काफी गंभीरता से सुनी जाती है, समझी जाती है, आप बताएं सर, फंडामेंटल तो हमने देखे कि जो क्राइसिस इंटरनेशनल मार्केट में हुआ ऑयल सीड को लेकर, उसका इम्पैक्ट हमने प्राइस पर देखा, लेकिन क्या अगर इन दोनों को हम एक साथ जोड़ें तो क्या जो क्राइसिस थी, जो सप्लाई डिसरप्शन था, जो सप्लाई में कमी थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उसके मुकाबले जितनी तेजी आनी थी, क्या उससे ये तेजी ज्यादा है या आपको लगता है कि फंडामेंटल के अकॉर्डिंग है? मृत्युंजय, आपको बहुत ही शुभकामनाएं हमारी। एक्चुअली आज अंतरराष्ट्रीय बाजार और इंडियन बाजार के दो बिल्कुल अलग पहलू है। हिंदुस्तान की बाजार ऊपर गई है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिरावट आई है, काफी बड़ी गिरावट आई है। और मैं मानता हूं कि ये जो हिंदुस्तानी बाजारों में हुआ है, ये टेक्निकल फैक्टर्स की का नतीजा है। टेक्निकल फैक्टर्स यानी के जो डीमैट स्टॉक होना चाहिए, जिसकी डिलीवरी शॉर्ट लोग लेकर दे सकते हैं, वो नहीं है। हिंदुस्तानी फ्यूचर्स बाजार बहुत छोटी है और अब तक उतनी डेवलप नहीं हुई जितनी कि अंतरराष्ट्रीय बाजारें डेवलप हुई है। और ये अनडेवलप्ड मार्केट की डिफिकल्टी है कि जब ऐसे टेक्निकल फैक्टर्स आ जाते हैं कि लोगों ने बेचा है काफी और डीमैट स्टॉक कम है, तो फिर ये लोग कॉर्नर हो जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये आज जो तेजी हिंदुस्तान की फ्यूचर्स मार्केट में दिखाई दी है, ये बिल्कुल टेक्निकल तेजी है। और हमारे किसानों को, हमारे प्रोड्यूसरों को इसका फायदा लेकर माल बेचना चाहिए, ऐसे दाम वापस देखने में नहीं आएंगे। आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में काफी बड़ी गिरावट आई है। BMD आपने देखा होगा 125 रिंगित टूटा है और हिंदुस्तान की बाजार ऊपर जा रही है, ये तो कमाल की बात है। इसलिए मैं मानता हूं, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया चुका कि इंटरनेशनल मार्केट टॉपिश लगती है, यानी के इसकी पीक आकर गई, अब ये मार्केट साइडवेज जाएगी और बिल्कुल नीचे आएगी आगे चलकर सेकंड हाफ ऑफ द ईयर। तो कंज्यूमर के लिए ये अच्छा होगा साइड बाय साइड, प्रोड्यूसर के लिए अब तक बहुत अच्छे दाम आए और जब गिरावट आएगी तब भी बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आने वाली है, MSP तक दाम नहीं जाने वाले हैं। मेरे ख्याल से सरसों के फ्यूचर्स के दाम 5000 तक टिकते रहेंगे, 5200, 5300, तो ये अच्छे दाम है। और आज जब 6000 मिलते हैं तो किसान को जरूर जरूर अपना माल बेचना चाहिए और इसका फायदा लेना चाहिए। यस, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही दोरा मिस्त्री जी। और चूंकि दुनिया भर में आपको बहुत ही सीरियसली सुना जाता है ऑयल मार्केट के ऊपर, और आपने
बिल्कुल नई बात कही है, मतलब अब तक ऑयल मार्केट के प्राइस को लेकर जितने लोगों से हमने बात की इस ओर किसी ने इशारा नहीं किया जो बात अभी आपने कही कि ये अनमेच्योर्ड मार्केट की निशानी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम गिरने के बावजूद घरेलू बाजार में तूफानी रफ्तार से कीमतें बढ़ रही हैं। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। तो अब दोराब जी मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं सर कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुकाबले आपके हिसाब से, आपके अनुमान के हिसाब से सोयाबीन का प्राइस अभी 6800 के ऊपर गया है, आपके हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय बाजार को देखते हुए घरेलू बाजार में सोयाबीन का प्राइस इस वक्त क्या होना चाहिए था? सोयाबीन का प्राइस 5000 और 6000 के बीच में चलना चाहिए, 5000 तो होगा ही, और सरसों का भाव भी करीब उतना ही होना चाहिए। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि दो हफ्ते में या एक महीने में जबकि अंतर्राष्ट्रीय माल आएगा, जब हमारे इंपोर्ट दो कदम और लेंगे, तब ये भाव जरूर नीचे आने वाले हैं। ये क्या कहते हैं कि मिसमैच हो चुकी है कि हमारे हिंदुस्तानी बाजारों में माल की कमी है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में माल अच्छी तरह अवेलेबल है। लेकिन इतने दिनों में मार्केट में इतनी नर्वसनेस थी और हिंदुस्तानी इंपोर्टर इतने डर गए थे क्योंकि देर वॉज वॉट इज कॉल्ड ए डिस्पैरिटी, अगर माल इंपोर्ट करो तो मुनाफा नहीं, अगर आप नहीं लाओ तो आपको मुनाफा की पॉसिबिलिटी भी नहीं। तो ये बेचारे इन लोगों ने माल इंपोर्ट नहीं किया। स्टॉक हिंदुस्तान में मेरी एक्सपीरियंस में सबसे कमी स्टॉक आज है इंपोर्टेड माल का। आप कंडला में जाइए, स्टॉक 50% है नॉर्मल स्टॉक से। आप हल्दिया चले जाइए, वहां भी स्टॉक बहुत कमी है। तो ये टाइटनेस ऑफ स्टॉक और टेक्निकल फैक्टर्स के लिए तूफानी तेजी आई है। ये आती है हमेशा अंडर डेवलप्ड मार्केट्स पे होती है, लेकिन ये बहुत छोटे समय तक रहती है। इसलिए मैं आज भी कहता हूं और दोबारा कहता हूं कि किसानों को और जो लोग के पास माल है, जो लोग के पास, जो लोग प्रोड्यूसर है, जो लोग रिफाइनर है, उनको आज माल पेट भर से बेचना चाहिए क्योंकि ऐसे दाम वापस देखने में नहीं आएंगे। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ऐसे भाव, ऐसे दाम दोबारा मिलेंगे नहीं। आपने बिल्कुल दो टूक राय आपने ऑयल सीड के मार्केट पर दी है, तिलहन के मार्केट पर दी है। अब मैं सर तेल पर आना चाहूंगा क्योंकि जब तिलहन के दाम बढ़ते हैं तो सीधा इम्पैक्ट तेल की कीमतों पर पड़ता है, और हालात ये हैं अभी कि सोया तेल के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं, 1300 के ऊपर। क्रूड पाम तेल का भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है। तो आप जरा ये बताएं सर कि तेलों के मोर्चे पर क्या तेल में भी यही सिचुएशन है जो बात आपने कही कि अनडेवलप्ड मार्केट में ऐसा होता है, क्या तेल के दाम भी यहां पर ज्यादा हैं फंडामेंटल के अकॉर्डिंगली? दाम और बीच के दाम में एक डिस्पैरिटी आई है। तेल के दाम उतने नहीं बढ़े हैं क्योंकि तेल मोस्टली हमारे यहाँ जो बिकते हैं वो पैक्ड कंडीशन में बिकते हैं और रिफाइंड बिकते हैं, तो उनकी तो सप्लाई काफी अच्छी है और उसमें ज्यादा हरकत कंज्यूमर को नहीं आनी चाहिए, और उनके दाम उतने नहीं बढ़ेंगे और बढ़ने भी नहीं चाहिए। और जैसे जैसे तेल का इंपोर्ट आता रहेगा वैसे ये दाम भी मॉडरेट होते जाएंगे और धीरे 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 सी एक मंदी आएगी। इतनी जल्दी नहीं आएगी, लेकिन जो पीक थी या टॉर्च थी बाजार की वो टॉर्च आ कर गई, अब नहीं आएगी। तो मेरे ख्याल से कंज्यूमर के लिए अब, ऐसे हमारे देश में लोग बोलते हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं कंज्यूमर के लिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कंज्यूमर के लिए, जो ऑयल के कंज्यूमर हैं उनके लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं मिस्त्री जी कि जब मैं तिलहन की बढ़ती कीमतों पर देश के बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात करता हूं तो दो तरह की राय सामने आ रही है। जब मैं ये सवाल पूछता हूं कि क्या इम्पोर्ट ड्यूटी अभी घटनी चाहिए तो दो अलग राय है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इम्पोर्ट ड्यूटी में कमी होनी चाहिए और कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी कम करने से किसानों को नुकसान होगा और घरेलू मार्केट में तिलहन के दाम भी गिर जाएंगे, किसानों को अच्छा भाव नहीं मिलेगा। ये दो अलग अलग राय आ रही हैं। आप किस तरफ खड़े हैं सर, आपकी राय क्या है, क्या इम्पोर्ट ड्यूटी में कमी करना ठीक है या नहीं करना चाहिए, आपको क्या लगता है? बिल्कुल नहीं। इंडिया में मेरा मजबूत का ख्याल है कि इम्पोर्ट ड्यूटी स्टेडी रखनी चाहिए और जो है वो बिल्कुल का मुनाफिक है और वही ड्यूटी रखनी चाहिए।
इम्पोर्ट ड्यूटी कम करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, किसी को भी फायदा नहीं होगा, अंतरराष्ट्रीय बाजार बढ़ जाएगा और हमारे यहाँ माल आता घट जाएगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार जैसे मैंने बताया अब पीक हो चुके हैं, आज काफी उसमें गिरावट आई है और उस गिरावट का हमें पूरा पूरा फायदा लेना चाहिए। हमारे इम्पोर्टर्स को ज्यादा माल इम्पोर्ट करना चाहिए, ड्यूटी दे दो और सरकार को जो देनी है वो, और माल डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दो, और ये होगा। हमारे मार्केट्स काफी अच्छे हैं, हमारे बिजनेसमैन, हमारे इम्पोर्टर, हमारे रिफाइनर काफी कामयाब है और काफी अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में भाव में थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी गिरावट आएगी और कंज्यूमर के लिए अच्छे ही दिन आगे है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया दोराब मिस्त्री जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि ऑयल मार्केट की तस्वीर, ऑयल सीड मार्केट की तस्वीर आगे होने क्या वाली है। आपने बहुत दो टूक राय दी है कि अब आगे दाम कम होंगे तिलहन के भी और तेलों के भी और कंज्यूमर को राहत मिलेगी, और आपने बिल्कुल साफ कहा कि इम्पोर्ट ड्यूटी में कटौती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ये आपकी साफ राय है। बहुत शुक्रिया सर जी बिजनेस पर आने के लिए और डिटेल में इस पर बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की, क्योंकि आज रुपया बहुत कमजोर हुआ है, 9 महीने के निचले स्तर तक रुपया लुढ़का है, और जब भी रुपया कमजोर होता है तो गोल्ड और सिल्वर के दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि रुपया कमजोर होने से इंपोर्ट काफी महंगा होता है गोल्ड का और उसका इंपैक्ट हम प्राइस पर देखते हैं। तो अनुज जी आप बताएं कि क्या होगा आप गोल्ड में, क्या गोल्ड अभी खरीदना ठीक है इस भाव पर? मृत्युंजय जी गुड इवनिंग। गोल्ड अगर देखें तो $1,743 के आसपास चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, और जिस तरीके से रुपी वीक हुआ है 9 महीने के न्यूनतम स्तर पे चल रहा है, उससे काफ़ी हद तक सपोर्ट मिला है गोल्ड को। तो जितने भी इंपोर्टेड आइटम है सभी में ही हमने एक प्राइस एस्केलेशन आते हुए देखा है। हमें लगता है कि गोल्ड में यहाँ पे करंट रेट से खरीदारी करना चाहिए, 46,200 का स्टॉप लॉस लगा है, टारगेट हमें लगता है 47,100 तक देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि $1,755-$1,760 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। लास्ट वीक भी हमने काफ़ी अच्छी रिकवरी देखी थी और जिस तरीके से हमने इंडिया के अंदर गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ते हुए देखा है वो सबसे एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि इसका मतलब कि गोल्ड की जो डिमांड है वो यहाँ बढ़ती हुई दिख रही है। तो हमें लगता है कि गोल्ड में अभी फिलहाल जो ट्रेंड बना है और जो पिछले 15 दिनों से एक पॉजिटिविटी आई है, हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड गोल्ड के अंदर बना के रखना चाहिए। ओके, तो आप कह रहे हैं कि बाई करके चलना चाहिए गोल्ड पर, आप एग्री करते हैं क्या बीरेन जी? आपको भी लगता है कि सोने में तो अब हर लेवल पे बाइंग का ही मौका है? कोरोना प्रीमियम वापस बिल्डअप होना शुरू हो गया है, इसमें लास्ट मंथ का जो मार्च में ऑस्ट्रेलिया का सेल्स डेटा आया वो काफी पॉजिटिव आया, इंडिया का इम्पोर्ट है वो भी काफी पॉजिटिव है, चाइना में इन्फ्लेशन काफी बड़ा है और यूएस इन्फ्लेशन भी फेड के टारगेट से थोड़ा ऊपर गया है, 10-year bond yield और ये सब चीज़ों का अगर हम सब कुछ ध्यान में ले तो ऐसा लग रहा है कि वापस बिल्डअप होगा। मीडियम टर्म में मैं इंटरडे तो नहीं मेरे ध्यान में है, बट गोइंग फॉरवर्ड हम शायद 1850 की ओर जा रहे हैं, ये 2-3 वीक का नज़रिया है। ओके, तो ये राय हो गई आपकी गोल्ड के ऊपर। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए कैलाश जी। सर कॉपर में ट्रेंड बताएं। नमस्कार, पूछिए। अभी क्या करना चाहिए, शॉर्ट या लॉन्ग? कॉपर का ट्रेंड, अच्छा शॉर्ट या लॉन्ग आप कह रहे हैं कॉपर में क्या करना चाहिए कैलाश जी, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और मेरा सवाल नहीं, ये हमारा जो प्रोड्यूसर है मनीष जी वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने वैक्सीन ले ली क्या कोरोना की? अच्छा कैलाश जी लगता है संपर्क हमारा टूट गया। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप उस ग्रुप में होंगे कि जहां पर वैक्सीन को अलाउ किया गया है, तो आप अगर लिए होंगे तो अच्छी बात है, वैक्सीन लें, सेफ रहें, कोरोना से बचें। और कॉपर के ऊपर आपका सवाल था, तो कॉपर पे बताएं अनुज जी क्या करना चाहिए अभी?
देखिए कॉपर में हालांकि आज गैप डाउन ओपनिंग देखी थी, मगर हमने इवनिंग मॉर्निंग में एक अच्छी रिकवरी भी देखी है। तो ट्रेंड हालांकि इसका वीकली परस्पेक्टिव से पॉजिटिव रहा है, और जिस तरीके से चाइना का डेटा पॉजिटिव आया है तो हमें लगता है कि बेस मेटल में ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा, और टेक्निकल चार्ट से भी काफी अच्छा रिकवरी और पैटर्न्स बनते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि कॉपर के अंदर खरीदारी करना चाहिए, करीबन 685 के आसपास खरीदारी करें, 680 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 693-695 तक हो सकता है। तो बेस मेटल मुझे लगता है कि पॉजिटिव टेरिटरी में है, तो कॉपर के अंदर खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। ठीक है, ओके, तो आप कह रहे हैं कॉपर में बाइंग करके चलना ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है सोनी का, गाजियाबाद से है हमारे साथ, पूछिए मैम। सर हम पूछना है कि कॉटन के ऊपर पूछना है, अप्रैल मई में तेजी संभव है या नहीं? अप्रैल मई में कॉटन में तेजी मुमकिन है या नहीं, बताइए बीरेन जी क्या लगता है आपको? यहाँ से 300-400 रुपए की तेजी मुमकिन है, अभी अप्रैल के हिसाब से इसके जो दाम है उसमें करीबन हम 21,900-22,100 तक शायद देख सकते हैं, और अगर रुपी थोड़ा और कमजोर हुआ मे भी 75-50 तक ज़्यादा है तो 200-300 ज़्यादा तेजी आएगी, फिलहाल इसको 21,200 का बॉटम मान के चल। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है महेंद्र शर्मा का, जयपुर से है हमारे साथ, पूछिए शर्मा जी। सर नमस्कार, जयपुर से महेंद्र बात कर रहा था। सर मेरा क्वेश्चन था सर निकल में था, 1240 रुपए में क्या एक 3 लॉट बाइंग थे मेरे, तो आगे का व्यू पूछना चाह रहा था क्या रहेगा। हाँ निकल पे अनुज जी क्या व्यू है, क्योंकि अब जिस तरह से डिमांड घटने की चिंता एक बार फिर से बढ़ी है कोरोना की वजह से, तो निकल में अभी क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए? अभी भी निकल का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, हालांकि मुझे लगता है कि जो इनका रेट है उसके आसपास रेट वापस आ सकते हैं, तो इनको होल्ड करना चाहिए। हमें लगता है कि ऊपर में 1260-1270 के लेवल दोबारा देखने को मिलेंगे, और जिस तरीके का ट्रेंड बना है अभी लगता नहीं है कि ऐसा कोई मेजर फॉल यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो हमारी सलाह है कि अभी होल्ड करके चले, नीचे 1210 का स्टॉप लॉस लगाएं, हमें लगता है कि ऊपर में 1260-1270 तक के लेवल वापस देखने को मिलेंगे, तो हमें लगता है कि इनको अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है प्रवीण का, हिसार से हैं हमारे साथ, पूछिए प्रवीण जी। नमस्कार मदेंद्र जी। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा अनुज जी से सवाल है गोल्ड के ऊपर। पूछिए। सर ये गोल्ड में भी और सिल्वर में भी फ्राइडे को भी इन्होंने बाइंग करवाई थी, फ्राइडे को तो सिल्वर के टारगेट 69,500 दिए थे, इनका स्टॉप लॉस हो गया था, आज फिर ये करंट में बाइंग करवा रहे हैं गोल्ड में, और आज टारगेट ये छोटा दे रहे हैं, ये थोड़ा नहीं नहीं ठीक है, बताइए अनुज जी इस पर क्या कहेंगे आप? सर फ्राइडे को जो हमने बाय कॉल दिया था उसमें हमारा जो कॉल था वो प्रॉफिट में आया था, और जो आज का है वो भी हमारा अभी भी जो कॉल हमारा फ्राइडे का कॉल जो हमने थर्सडे को कॉल दिया था वो अभी भी हमारा अभी प्रॉफिट में चल रहा है। जो हमारा स्टॉप लॉस था वो 65,800 का था, वो अभी ट्रिगर नहीं हुआ है, और आज के लिए भी हमें लगता है कि जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव में रहेगा, क्योंकि जिस तरीके का टेक्निकल लेवल बना है और बाउंस बैक हुआ है, तो इनिशियली ये कि 1755-1760 तक के आप लेवल यहाँ पर वॉच कर सकते हैं, ऊपर में 47,000-47,500 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, तो इनिशियली जो रेजिस्टेंस जोन है वो करीबन 1755 के आसपास है, हमें लगता है कि आपका जो बाय है उसको आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है संजीव का, नागपुर से है हमारे साथ, पूछिए संजीव जी। हेलो, आप मेरे को बीरेन जी से पूछना है कि चना अभी रखना है क्या बेचना है? मैं किसान हूँ, मेरे पास 100 बोरे चना है। अच्छा बीरेन जी बताइए, इनके पास चने का स्टॉक है, चने के दाम बहुत बढ़ गए हैं, ये जानना चाहते हैं कि बेच दें या रखे रहें, आगे और अच्छा भाव मिलेगा? फिलहाल इसमें अपसाइड की गुंजाइश है, एनसीडीएक्स मई के हिसाब से मैं बात करूं तो 5,800-5,900 तक के प्राइस अभी 6,000 पे शायद देख सकते हैं। ओके ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज जी आपकी पहली रैपिड फायर कॉल।
सिल्वर में रहेगी, सिल्वर में खरीदारी करें, स्टॉप लॉस रहेगा 66,000 का, टारगेट 68,500 तक हो सकता है, एक या दो दिन के पर्सपेक्टिव से भी इसको होल्ड किया जा सकता है। आपकी कॉल वीरेन जी। मैं निकल में बाइक प्रेफर करूंगा 1220 पे, 1200-1245 का टारगेट रहेगा, 1203 का स्टॉप लॉस रहेगा। आपकी आखिरी कॉल। हमारी कॉल क्रूड में रहेगी, क्रूड में काफी दिनों की गिरावट के बाद एक शॉर्ट कवरिंग दिखी है, हमें लगता है कि बाउंस बैक ही आज देखने को मिल सकता है, तो क्रूड में खरीदारी करें 4470 में, स्टॉप लॉस 4420 का रहेगा, टारगेट 4570 तक हो सकता है। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका, वीरेन जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।